अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो पीपल, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अवर न्यू चैनल। मैं मोहम्मद शावेज़ मोहम्मद इनायत। अगर आप लोगों ने हमें सर्च करके पाया है, मतलब सर्च करके आप लोगों ने यहाँ तक आए, तो आप हमारे लिए बहुत कीमती हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत प्रेशियस हो। बिकॉज़ इतने चाहने वाले शायद हमने सोचा भी नहीं था इतना चाहेंगे। अगर आप यहाँ पर नए हो तो आपको बता दें कि हमारा एक पुराना रिएक्शन चैनल था जहाँ पर हम दोनों रिएक्शंस करते थे, जिसका चैनल का नाम था मेरे नाम से मोहम्मद शावेज़, लेकिन शो का नाम था कड़क रिएक्शन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर मल्टीपल स्ट्राइक्स हो गए एक साथ एंड चैनल हमने खो दिया, चैनल चला गया। इन्नल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ, लेकिन दुख तो बहुत हुआ बिकॉज बहुत सालों की मेहनत थी उसमें। हाँ, फैमिली छोटी थी, यूट्यूब फैमिली छोटी थी हमारी, लेकिन जितने थे उसमें बहुत ही कीमती थे, बहुत चाहने वाले थे, बहुत लॉयल थे, हमें बहुत बहुत मोटिवेट करते थे एंड ऑल। बट फाइनली लाइफ हैव टू गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन, वी मस्ट मूव ऑन, द शो मस्ट गो ऑन। इसीलिए हम आए हैं वापस आपके पास एक नया चैनल लेकर। देखिए, हम हारे नहीं हैं, डिस्प्यूट डाली है, उनसे रिक्वेस्ट की है, आप भी उनसे रिक्वेस्ट करें। क्या नाम था वो जो इनका जियो टीवी वालों ने डाली थी, और जियो टीवी वालों ने दो डाली हैं और टीआरटी ने एक डाली है। वो इसका नाम क्या था शो का? फितूर ओएसटी के ऊपर, फितूर का ओएसटी हमने किया था, साहिर अली बग्गा की दीवानगी के ओएसटी के ऊपर, और अर्तुरुल के एक फाइट सीन के ऊपर। तीन स्ट्राइक्स की वजह से चैनल हमारा हमने खो दिया। बहुत ही दुख हुआ एंड ऑल्सो लोगों ने बहुत मैसेज किए, डीएम्स किए और पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ, चैनल नहीं दिख रहा एंड ऑल। वहाँ पर खुशी हुई और उसी चीज़ ने हमें मोटिवेट किया। विद इन एक दिन ही हमने डिसाइड किया कि नहीं यार, हम लोग ब्रेक नहीं लेंगे, हम लोग नया चैनल बनाएंगे और हमारा कंटेंट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे नए चैनल का नाम है चेन रिएक्शन, और चेन रिएक्शन क्या है ये आपको ये एक्सप्लेन करेंगे बिकॉज इनका सजेशन है ये। हुआ क्या कि आई वाज जस्ट वर्किंग व्हेन आई गॉट अ कॉल के बोला कि चैनल चेक किया। मुझे लगा यार कोई तो वीडियो मस्त चली गई होगी, है ना, थोड़ा गुड व्यूज़ वगैरह कमेंट्स आए होंगे अच्छे तरीके से, बट रिसेट के चैनल नहीं मिल रहा है, तो चैनल डिसेबल्ड हुआ है। मतलब बाप रे बाप। तो आखिर तो हमें कहीं ना कहीं हम मेंटली प्रिपेयर्ड थे इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो होने वाला था। लेकिन क्या था कि वी आर वेरी क्लोज टू एक हमारा जो प्रीवियस जो ये था वो जो जाने वाला था, फेड होने वाला था, वो स्ट्राइक था हमारा। तो अभी वी वांटेड टू हम लगे कि 10 दिन हो जाएंगे, इसके बाद तो सब कुछ ठीक हो जाएगा हमारे पास। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ हुई नहीं। शायद खुदा को और मंजूर था, कुछ और मंजूर था। लेकिन एवरी डिफीट, एवरी फॉल डाउन एंड एवरीथिंग विच वी रिसीव एज ए नेगेटिव इज़ एक्चुअली अ पॉजिटिव। कभी कोई चीज़ में मैं ये मान के चलता हूँ कि कभी भी कोई भी चीज़ गलत नहीं होती, हर एक चीज़ अपने वक्त पे, अपने समय पे सही चीज़ होती है। और अगर ये कुछ हुआ है तो ये भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है। पता नहीं आगे जाके कुछ बुरा होने वाला था हमारा चैनल हमारा, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। अभी हम नए चैनल के साथ, नए मोटो के साथ आए हैं, वो है कीप गोइंग कीप गोइंग। तो होता है बहुत कुछ हुआ इसलिए। लेकिन जैसे ही टोल्ड मी दिस थिंग, मैंने थोड़ी देर में अपने आप को संभाला, क्योंकि मेरी मेहनत थी इसमें, इनकी मेहनत बहुत ज़्यादा थी, सब इनकी मेहनत बहुत थी, 80% 20% थी। बट फिर भी क्या था कि वो सिलसिला चला। पर कोई बात नहीं, मेरी जो मेहनत थी इसमें वो सिर्फ 20% थी, इनकी 80% थी, तो इनके लिए मैं बुरा लग रहा था। लेकिन एकदम से मेरे दिमाग में आया कि नहीं, अभी स्टॉप नहीं करना है, हो गया तो हो गया, ख़त्म बात, नया चैनल शुरू करेंगे। इसका हम नाम रखेंगे चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसा रिएक्शन होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता। एक बार शुरू हुआ तो चलता रहता है। एक चेन ऑफ रिएक्शंस होते हैं वो। ये न्यूक्लियर थियरी में ज़्यादा अपना इम्प्लाई होता है ये, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे उसका नाम रख दिया चेन रिएक्शन। जैसे कोई चैनल है एक चेन रिएक्शन नाम का, वो भी एक्टिव नहीं है, मैंने देखा उनको, कभी वो स्ट्रीम करते हैं, कुछ करते हैं, वो उतना उनका है नहीं। तो हमने लगा कि इसके ऊपर नाम रख दें, यूनिक नाम है। तो कोई बात नहीं, हम दोबारा से वापस आ चुके हैं और इस बार मोर पावर के साथ अच्छी बातें और मज़े होंगे और अच्छी बातें होंगी और अच्छे कंटेंट होगा, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ अच्छा होगा। जो हुआ सो हो गया, ख़त्म करो। पुराने वीडियोस तो पूरे चले गए हमारे पास, अभी कोई बैकअप है नहीं। कुछ वीडियोस जो कि ड्राफ्ट में थे मेरे, तो कभी मैं क्या होता है कि जो भी वीडियो ड्राफ्ट में होता है वो मैं डिलीट नहीं करता, वो मेरे पास सेफ रहता है जब तक वो वीडियो अपलोड नहीं होता। अपलोड होने के बाद वो मेरे पास डिलीट होता है। तो जितने ड्राफ्ट में थे वो ऑलरेडी मेरे पास हैं, तो वो भी हम लोग करेंगे। हाँ, नए अपडेट जो भी हैं हम लोग करेंगे। तो बेसिकली अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो आपको पता नहीं होगा कि हम लोग बेसिकली रिएक्ट करते हैं इंडियन एंड पाकिस्तानी दोनों कंटेंट के ऊपर। एवरीडे हमारे दो अपलोड्स होते हैं, एक होता है इंडियन कंटेंट के ऊपर, एक होता है पाकिस्तानी कंटेंट के ऊपर। वो इंडियन कंटेंट में वो कोई भी हो सकता है, इट विल बी साउथ इंडस्ट्री, तमिल, तेलुगू, मलयालम, हिंदी, एनीथिंग। और पाकिस्तान में भी डिपेंड्स के वो किसी ड्रामास के ऊपर है या मूवी ट्रेलर्स के ऊपर है या कोई सॉन्ग्स के ऊपर है। सो दिस इज़ यू नो हमारा एक जो क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म, लाइक उस तरीके से हम लोग चलते हैं। सो द सेम थिंग यहाँ पर भी चलेगी, एवरी डे 2 अपलोड्स, द सेम थिंग इंडियन पाकिस्तानी कंटेंट जो भी आप लोग हमें सजेस्ट करोगे। और या सो कीप सपोर्टिंग अस। एंड आई थिंक हमारे कुछ वीडियोज़ के बाद जो कि आई थिंक हम एक या 2 वीडियो अभी रिएक्ट करें जो कि होगा वेरी न्यू अपडेट, उसके ऊपर हम लोग चेन रिएक्शन ही देंगे। लेकिन जो पुराने 5-6 अपलोड्स जो मेरे पास बचे हैं उसमें कड़क रिएक्शन से ही नाम आएगा। एंड वील डेफिनेटली हमारे टैग्स में हम लोग हमारे नाम भी डाल देंगे, जो लोगों को नहीं पता वो सर्च करके यहाँ पर आएंगे, जो नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग फिर उनसे मिलेंगे रास्ते में। दुनिया बहुत छोटी है भाई, देखो रात कोई चीज़ नो बड़ी बात नहीं है किस चीज़ के लिए। अल्लाह चाहे तो किसी को कुछ भी दे सकता है रात रात। बुरा इसलिए लग रहा है कि जो वहाँ पर फैमिली थी ना, बहुत सारे लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम में कनेक्टेड हैं, लोग हमें बात भी करते हैं, फॉलो करते हैं। जो कनेक्टेड नहीं है, जिन्हें इंस्टाग्राम जिसके पास नहीं था, वो सिर्फ हमें यूट्यूब में ही हमारे से कनेक्टेड है, यूट्यूब में कमेंट करते थे, हमारे वीडियोज़ को सपोर्ट करते थे। वो शायद हमारे वीडियोज़ को अगर सर्च करके आए तो आए, नहीं आए तो शायद हम लोग फिर उनसे कब मिलेंगे वो पता नहीं, लेकिन जब भी मिलेंगे इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, हो जाएंगे। कमेंट डाल दीजिए। सो एक बहुत शॉर्ट वीडियो था हमारे तरफ से, इंट्रोडक्शन वीडियो था। सो विल बी कमिंग एवरी डे विथ 2 अपलोड्स विथ ऑफ चेन रिएक्शन। उसका नाम कड़क रिएक्शन का 2.0 होगा ये चेन रिएक्शन। और इसका टैगलाइन होगा कीप गोइंग। ये कोइंसिडेंस है, ये प्लान नहीं था, ये हो गया। ऐसे बहुत चीज़ें होती हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये शायद इस वीडियो को कितने व्यूज़ मिलेंगे पता नहीं, क्योंकि फर्स्ट वीडियो होगा ये हमारे चैनल पे। आई थिंक 5 मिले, 10 मिले, 2 मिले, 1 मिले, वो तो पता नहीं, लेकिन 2 मिले या फिर मिलियन भी हो सकते हैं, जितने भी मिले, जितने भी आए, खुशी बहुत होगी। तुम मिले दिल खिले। और खुशी और ज़्यादा होगी जब हमें कमेंट बॉक्स में ये देखने को मिलेगा कि हम आपको ढूंढते हुए यहाँ पर आए। बिकॉज हम लोग बड़ाई नहीं कर रहे हैं अपनी, लेकिन हमें बहुत तारीफ़ें मिलती थी हमारे रिएक्शंस के ऊपर, बहुत लोग पसंद करते थे। और कोई भी नेगेटिविटी नहीं थी हमारे चैनल के ऊपर, बहुत रेयर कभी वो 1-2 मिल जाते थे, उतना ही। उसके अलावा इट वाज अ वेरी पॉजिटिव वाइब थी और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता था। सो होप कि इसमें भी वही हो इंशाल्लाह। सो आप हमारे वीडियोज़ ब्राउज कीजिए, जितने मेरे पास ड्राफ्ट में थे वो कल एक साथ अपलोड हो जाएंगे। ये प्लान नहीं था। अपलोड हो जाएंगे तो आपको कंटेंट भी मिल जाएगा और जो नए अपडेट्स हैं वो भी आते रहेंगे। सो या थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट, एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत सारे लोग हमें ये कहते थे कि आपके रिएक्शन को हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते थे, तो आप ये भी शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में, आपके वो भी दोस्त हमें फिर देखेंगे। ओके, और हमें फॉलो कर सकते हो आप इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम इज़ द बेस्ट प्लेस, बिकॉज इंस्टाग्राम के ऊपर स्ट्राइक नहीं होगा। कल का दिन इसके ऊपर भी अगर स्ट्राइक्स हो गए तो इंस्टाग्राम में फिर हम लोग अनाउंस कर देंगे दिस इज आवर न्यू चैनल। लेकिन हम रुकेंगे नहीं भाई, नहीं चलते करते रहेंगे, जो होता है वो देखेंगे। सो दिस मोहम्मद शावेज मोहम्मद इनायत साइनिंग ऑफ।